Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic election campaign. ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड है. आपको पता है इलेक्शन कैंपेन का कितना इम्पोर्टेंस होता है किसी भी इलेक्शन में और फॉर एनी डेमोक्रेसी. तो लेट बी स्टार्ट दिस टॉपिक. द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना एंड पीपुल ए चांस टू. एक्चुअली हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक फेयर चांस मिले कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जा सके. द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी दे प्रेफर, साथ में जो हमारी गवर्नमेंट चलती है जो वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं इन सब को चूज करने का एक अच्छा मौका मिलना चाहिए. अब मान लीजिए कि हम लोग ऐसा मौका देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट शुड वी डू. तो इसके लिए हमें जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारा इलेक्शन है उस समय लोगों को जो है फ्री और ओपन एनवायरनमेंट में जो है डिस्कशन करने का मौका मिले, लोग डिस्कस कर सके. और यही वो तरीका है जिससे लोग जो है बेटर रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं और ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है, किसके जो पॉलिसीज है वो बेहतर है. और यही होता है इलेक्शन कैंपेन के समय. इलेक्शन कैंपेन के समय कैंडिडेट को जो है फेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो हर कैंडिडेट को अच्छे से जान करके उनको वोट कर सके. इन आवर कंट्री कैंपेन जो है टू बिग पीरियड पहले शुरू हो जाता है. जैसे ही अनाउंसमेंट आता है ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट द डेट ऑफ पोलिंग, तो हमारा जो है टू बिग पीरियड पहले शुरू हो जाता है कैंपेन. तो कैंपेन जो है वो कब चलता है, कैंपेन चलता है आपका जो फाइनल लिस्ट निकलता है कैंडिडेट का, जो पार्टियां अनाउंस करती हैं और साथ में जो डेट ऑफ पोलिंग होती है इनके बीच का जो टाइम होता है उसी में दो पीरियड का टाइम जो है कैंपेन के लिए दिया जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड इस वक्त जो है जितने कैंडिडेट होते हैं वो अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग में जो है एड्रेस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करते हैं अपने सपोर्टर्स को और साथ में जो है दिस इज ऑल्सो द पीरियड जब न्यूज़पेपर और टेलीविजन में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरीज डिबेट्स छपते रहते हैं, ये सब के सब कंटिन्यू होता रहता है. इलेक्शन कैंपेन केवल टू वीक तक लिमिटेड नहीं होता है. पॉलिटिकल पार्टियां जो है इलेक्शन का प्रिपरेशन महीनों पहले से करती रहती हैं. एक्चुअली अगर कहा जाए तो ऐसा भी आप मान सकते हैं कि वन जो इलेक्शन ख़त्म होता है रिजल्ट आने के बाद पार्टियां जो हैं अगले इलेक्शन में जुट जाती हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जो बाई हार्ट बोलते हैं वो जस्ट शुरू होता है वन मंथ टू मंथ पहले और टू वीक्स जो है वो एक फॉर्मल टाइम पीरियड होता है जिस वक्त जो है इलेक्शन का जो है कैंपेन किया जाता है. तो इलेक्शन के कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है, फोकस करती है पॉलिटिकल अटेंशन पे और जो बिग इशूज होते हैं उस पर वो चाहती हैं कि लोगों का ध्यान जो है इन इशूज पर लाया जाए और जिसके लिए उनको वोट मिले. मतलब पार्टी जो है एक फिक्स करती है कि उसको क्या लेकर के चलना है, कौन से इश्यूज को लेकर के चलना है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ जो पॉपुलर स्लोगन रहे या जो सक्सेसफुल स्लोगन रहे जिसने जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में जीत दिलाने में काफ़ी हेल्प किया, उनमें से कुछ को है जो है हम लोग यहाँ देखेंगे. सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जिस वक्त जो है इंदिरा गांधी लीड कर रही थी तो उन्होंने एक पॉपुलर स्लोगन दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी. ये स्लोगन दिया गया था 1971 के लोकसभा इलेक्शन में और पार्टी ने ये प्रोमिस किया था कि वो जो है सारे जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसको फिर से रीओरिएंट करेगी, फिर से नए तरीके से लॉन्च करेगी और पॉवर्टी को हटाने में जो हो सकेगा वो पूरी तरह से जो अपनी ताकत लगा देगी. और ये स्लोगन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, कांग्रेस पार्टी इसके बाद जीत गई थी. दूसरा स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी का, ये स्लोगन जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था जो उस वक्त इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण. लोकसभा इलेक्शन जो कि होने वाला था 1977 में
इसी वक्त जो है ये स्लोगन दिया गया था, पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी के समय में जो भी जो है गलत चीज़ें हुई हैं, जो सिविल लिबर्टी जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेफ्ट फ्रंट का दिया हुआ स्लोगन लैंड टू द टीलर, टीलर्स को जो है लैंड ट्रांसफर होना चाहिए। ये स्लोगन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में 1977 में दिया गया था, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल था। उसके बाद यहाँ पर है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ये स्लोगन एन टी रामाराव ने दिया था। ये तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश में थी उसके लीडर थे, और ये किस इलेक्शन में दिया गया था, ये दिया गया था 1983 के इलेक्शन में। डेमोक्रेसी में ये तो बेस्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को जो है पूरा फ्री हैंड दिया जाए कि वो कैसे कैंपेन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। अगर वो ऐसा ना किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ जो है रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या बनाया गया, हर किसी को, हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को फेयर और इक्वल चांस मिले, इसके लिए जो है कुछ इलेक्शन लॉ बनाए गए हैं जिसमें हर पार्टी और कैंडिडेट को फुलफिल करना होता है। जैसे कि किसी को भी ब्राइब और थ्रेट नहीं करना है, मतलब जो भी वोटर्स है उनको ना तो डराना है ना तो उनको जो है ब्राइब देना है। अपील जो है वो कास्ट और रिलीजन के नाम पर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट रिसोर्सेस को इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं करना है, और जो पैसा खर्च करने का जहाँ तक बात है तो 25 लाख से ज़्यादा जो है लोकसभा इलेक्शन में खर्च नहीं किए जा सकते हैं, उसी तरह से जो है 10 लाख से ज़्यादा असेंबली इलेक्शन में खर्च नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो कि फुलफिल करने होते हैं हर कैंडिडेट हर पार्टी को। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं करता है, तो अगर किसी के खिलाफ ये साबित हो जाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, रूल्स को फुलफिल नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जो है उसके कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। सेम उसी तरह से जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है कंट्री में वो कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एग्री है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है इलेक्शन कैंपेन के समय जिसको हर किसी को फुलफिल करना होता है, नो पार्टी और कैंडिडेट। तो क्या क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट, तो पहला तो यह है कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, तो किसी भी बर्सिप प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए, मतलब आप जाके मंदिर जाके मस्जिद जा करके जो वहाँ से अपील नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट या जो ऑफिशियल्स हैं उसको इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी पार्टी अपने बेनिफिट के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो कोई भी जो है मिनिस्टर जो है किसी अभी प्रोजेक्ट का न्यू फाउंडेशन नहीं लगा सकता है, उसी तरह से जो है कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, उसी तरह से जो है मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, मतलब इलेक्शन के समय में कोई गवर्नमेंट एजेंसी ये अनाउंस नहीं कर सकती है कि आपको ये मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है या मैं दे रहा हूँ, ये सब के सब जो है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। दैट हैव टू फुलफिल ईच एंड एवरी वन, हर किसी को फुलफिल करना होता है। बट समटाइम्स सो मेनी रूल्स आर वायलेटेड, बट ये जो पब्लिक होती है ये इन चीज़ों को थोड़ा रोक सकती हैं, वो ये देख सकती हैं कि अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी बहुत ज़्यादा रूल्स को वायलेट कर रही हैं तो उनको वोट ना दे। हालांकि इलेक्शन कमीशन इन सब पे नज़र रखता है, बट थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।